ये तो आपने सब समझ लिया, वीडियो को पॉज कर इसे नोट भी कर लिया होगा। तो सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, इसके बाद अब किन लॉस के तहत रिफ्लेक्शन होता है हम उसे डिस्कस करेंगे। अगर आपने उस वीडियो में नहीं नोट किया तो इस वीडियो में नोट कर लीजिएगा। किन लॉस के तहत रिफ्लेक्शन होता है हम उसे देखेंगे, उसके बाद हम आपको इमेज बनाना सिखाएंगे, कैसे आप एक प्लेन मिरर से इमेज बना सकते हो। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ वन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो पिछले वाले फिगर में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, एंगल ए ओ एन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल एन ओ बी। ये क्या था, एंगल आई, ये क्या था, एंगल आर। ये पहला लॉ हो गया। ठीक, अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो फिर एक बात और होगी, क्या होगी, द इंसिडेंट रे, लॉ नंबर टू, लॉ नंबर टू, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट। एक ही पॉइंट पर तीनों मिलेंगे, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओ जो था, ए ओ को भी जोड़ रहा था, एन ओ को भी जोड़ रहा था और ओ बी को भी जोड़ रहा था, इसलिए ये क्या कहलाएगा, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट और लाई इन द सेम प्लेन, और लाई इन द सेम प्लेन। जब आप 12th में पहुंचेंगे तो पोलराइजेशन आपके पास होगा, वहां एक स्पेसिफिक रिफ्लेक्शन होता है जिसमें लाइट जो है उस प्लेन में ना होकर उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होती, इसीलिए ये बताना जरूरी कि स्पेसिफिकली रिफ्लेक्शन के केस में इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, लाई इन अ सेम प्लेन, इन अ सेम प्लेन। बेटा ये उड़ने वाला जहाज नहीं है, है ना, ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये लंबाई, इस पूरे सरफेस को हम क्या कहेंगे, जैसे व्हाइट बोर्ड है तो इस व्हाइट बोर्ड का ये सरफेस या प्लेन कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पर ये आप देखिए मेरे हाथ में एक शीट है, इसे आप एक प्लेन कहेंगे, ये एक प्लेन हुआ, ठीक है, ये एक ऐसा प्लेन हुआ, ये एक ऐसा प्लेन हुआ। तो अब अगर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे, अरे एक ही पॉइंट मिल रहे, यानी एक ही सरफेस पे लाई कर रहे, तो फिर वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो कोप्लानर कहलाएंगे या मीट एट अ पॉइंट कहलाएंगे, सेम प्लेन। इसका एक नाम और जान लीजिए, दैट इज थ्री आर कोप्लानर, थ्री आर कोप्लानर, इसका एक नाम और जान लीजिए, आप जब बड़े हो जाएंगे तब आपको पता लगेगा, लेकिन हम अभी आपको बताएंगे। अब एक स्पेसिफिक इंसिडेंस देखो, जो हमारे बड़ा काम का इंसिडेंस है, ये हमने एक सरफेस खींचा, इस सरफेस पर हमने एक रे गिराई, जितने एंगल से रे गिराई थी उतने एंगल से वापस आ गई, ये नियम है, इसे कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ये क्या कहलाता है, जब रे री रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस इट्स पाथ इफ इट स्ट्राइक नॉर्मली टू अ सरफेस, क्या रिजल्ट निकल कर आया, रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ इफ इट इंसिडेंट नॉर्मली, इफ इट इंसिडेंट नॉर्मली, इफ इट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्मूथ सरफेस। इस केस में यह कहलाता है नॉर्मल इंसिडेंस। तो बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस का हमें आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंस पता लगेगा इसी चैप्टर में आगे जब हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस
एंगल आई की अरे एंगल आई एंगल आर इज इक्वल टू जीरो डिग्री, ये नॉर्मल इंसिडेंस की पहचान है। इंसिडेंट ये है तुम्हारी इंसिडेंट रे और ये है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। क्लियर रहेगा आप लोगों को उम्मीद करता हूं। अब हम मिरर या रिफ्लेक्शन को पढ़ते क्यों हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू लर्न दीज फिनोमिनास? ऐसे नहीं, इसे याद करने के लिए नहीं पढ़ा जा रहा है। अब चूंकि ये हमारी इमेज फॉर्मेशन करता है, हम इससे ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली विजिबल कर पाते हैं, इसलिए हम रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं। तो अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसके बारे में बात की जाए। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट काम? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द रिफ्लेक्शन। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द रिफ्लेक्शन। अब इमेज क्या होती है? द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट जो है क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। ये तो हुई फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन। अब ये हेडिंग पड़ गई फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन। द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट आर अपीयर टू मीट और एक्चुअली मीट और दे अपीयर टू मीट दे अपीयर टू मीट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड गिव्स द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट लिख लो। देखो इसको लिखने में उतना आनंद नहीं आएगा। अब इसको अगर हम तुम्हें समझाना चाहें, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, देखो जैसे ये एक प्लेन मिरर है, दो रे आ रही थी, एक ऐसे और एक ऐसे, ये एक्चुअली यहां मिलती, ये ओ, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद यहां मिलेंगी, तो ये क्या हो गया भाई? एक्चुअली मीट हो गया, तो ये आई हो गया, ये रियल इमेज बन गई। क्या बन गई? रियल इमेज, क्योंकि की एक्चुअली मीट कर रही है। अब इसी का एक एग्जांपल देखो, ये रियल इमेज है, एक्चुअली रेज जब रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है तो रिफ्लेक्ट तो रियल इमेज बनाती है। अब फिर यही मिरर लो, इस बार देखना ध्यान से, इस बार ये रे इस पॉइंट से चलती है ऐसे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर आएगी और ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर आएगी। इसे पीछे बढ़ाइए, आराम से स्केल से बढ़ाइएगा, और अगर आपके पास प्रोजेक्टर हो तो उससे नाप के लीजिएगा तो बहुत परफेक्ट फिगर आएगा। ओ और आई तो अपीयर टू मीट वेयर व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड, इसको हमने पीछे बढ़ाया, इसको हमने पीछे बढ़ाया, तो आपको एक जगह पर दोनों कट करती हुई दिखाई दी, ये बनी इसकी वर्चुअल इमेज। लीजिए साहब, दोनों डिफाइन हो गई, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी। तो रियल इमेज में रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट से निकलने वाली रेज एक्चुअली मीट करती हैं और वर्चुअल इमेज में रेज मीट नहीं करती हैं।
वेज मीट नहीं करती हैं, लेकिन जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो वर्चुअली कहीं पर कट करती हुई एक दूसरे को दिखाई देंगी। तो यहां पर क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। तो इमेज की दो टाइप देखो मैंने पहले ही लिख दी, एक होती है रियल इमेज है। अब रियल इमेज की खासियत क्या होती है इसी में बता देता हूं। रियल इमेज में पहली कंडीशन रेज एक्चुअली मीट, इसमें पहली कंडीशन अपीयर्स टू मीट, इसमें क्या होता है। अब ये रियल इमेज की एक पहचान और भी होती है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेंड ऑन अ स्क्रीन, ठीक। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस ये भी होता है क्या, कि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेंड नहीं किया जा सकता। अच्छा अब रियल इमेज की एक और पहचान होती है, रियल इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी हो जाती है। अब ये सब डायग्राम से क्लियर होगा, ठीक। ए रियल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, सीधी होती है, इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक। वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दो टाइप की इमेज बन सकती हैं, अगर एक्चुअली रे मीट करती हैं तो फिर रियल इमेज, और अगर मीट नहीं करती तो फिर वो वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेंड किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेंड नहीं किया जा सकता। रियल इमेज इन्वर्टेड होती हैं और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट कीजिए, आइए हम आपको और रे ट्रेसिंग सिखाते हैं, डोंट वरी। अब धीरे धीरे ये चैप्टर अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहा है, ठीक है। तो वेन इमेज ऑफ फॉर्मेशन बाई अ प्लेन मिरर, इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। बस तुम्हें दो बातें याद रखनी है कि रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, ठीक। और जहां पर रे स्ट्राइक करेगी हम उसी पॉइंट से सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे, उसे हम नॉर्मल कहेंगे। तो इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, formed by a plane mirror, image formed by a plane mirror, formed by a plane mirror, image of a point object formed by a plane mirror। देखो बेटा ये एक पॉलिज सरफेस है, इसका नाम कुछ दे दो, इसका नाम हम दे देते हैं MM-, ठीक। MM-, ये पॉलिश सरफेस है पक्की बात। यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब सुनो, अगर तुमने एक रे यहां से नॉर्मल गिराई, वाह भाई वाह, तो आपको याद है ना मैंने कहा था ये ऑब्लिक इंसिडेंट करेगी और वापस चली जाएगी। इसको इतना ही पीछे बढ़ा दो, जितनी ये साइज हो उतनी ही साइज इसकी लेना, ठीक। बन चुकी है इमेज, लेकिन अब हम आपकी बुक के हिसाब से अगर समझाएं तो आपकी बुक ने दो रेज ली, कहा भैया एक रे यहां गिरी, एक रे कहां गिरी, यहां गिरी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहीं से एक लाइन ड्रॉ करो जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इसे N1 कहो। अब ये रे डाइवर्ज करेगी तो बैकवर्ड मिलाओगे, ठीक एग्जैक्टली वही मिलेगी अगर आपने स्केल से नाप सही ली है तो, ये एक रे, ठीक है। ऐसे ही एक और रे लेती है आपकी बुक, इसको कहा हमने पॉइंट ऑफ ए, ये देखिए कोई मसला नहीं है, ये लिया उसने। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी है, यहां से भी आप एक पीछे रे बैकवर्ड मिला दो, एग्जैक्टली वही मिलेगी
जहां पर ये वाली रे बैकवर्ड आके मिली थी जहां, और ये वाली भी रे वहीं मिलेगी। फिर इसे आप यहां आगे बढ़ा दो, ठीक, तो इसे आप N2 कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल टू। अब यहां पर आपने अपने नैना गड़ा दिए, आंखें लगा दी, तो आप ये इमेज देख सकते हैं। देखिए, आपका ऑब्जेक्ट यहां था लेकिन आपने अपनी आंखें यहां नहीं लगाई, यहां लगाई तब भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा। वजह क्या है? रिफ्लेक्शन, वाइड एरिया है, दो डिफरेंट रेज इस पर गिरती हैं और ऑब्जेक्ट से निकलकर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आ रही है, तो आपको वहां से दिखाई दे रहा है जबकि ऑब्जेक्ट यहां है। वैसे तो हमारा मानना होता है कि जो हमारे सामने होगा वही दिखेगा, तो रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन से ही दिखता है, लेकिन इसको थोड़ा सा वाइड कीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आप आईने में ही अपने आप को देखते हैं तो आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें ऐसी भी दिखाई देती हैं, दिखाई देने लग जाती हैं जो कि आपको सामने से नहीं दिख रही हैं। उसकी वजह क्या है? वाइड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वाइड हो जाता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय द मिरर हो गया, एक केस ये हो गया। अब मान लो तुम्हारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसमें भी कोई मसला नहीं है, बस दो बातें याद रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं, और सरफेस पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करेगी रे वहीं से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो नॉर्मल होगा। अब इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, माया प्लेन मिरर। देखो, अब इसके लिए हम एक मिरर यू ले रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मान लो तुम्हारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, बस अंधा कानून याद रखना है, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो हम एक कैंडल देख रहे हैं, कैंडल का ही एग्जांपल ले लो। अब बेटा क्या याद रखना है? रे चलाओ, एक रे चली ऐसे, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, आराम से इसे बढ़ाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से बढ़ाओ। अच्छा, अगर तुम्हें जरा भी डाउट हो, तो इससे यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये नॉर्मल इंसिडेंस आएगा और यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस रे को पीछे बढ़ा दो, ऐसे एक पॉइंट यहां से वो करो, लेकिन नहीं सॉरी ये परपेंडिकुलर ये ही रहेगा, ऐसे तो कट नहीं पाएगी। तो दूसरी रे, अब एक रे यहां से चला दो, एक रे और चलाओ, ये ऐसे बड़ा नहीं। बेटा मेरे हाथ में स्केल नहीं है, इसलिए अगर थोड़ा सा फिगर में डाइवर्जन हो जाए तो कृपया उसे कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। वैसे ही अब एक रे यहां से चलेगी, ये अगर ऐसे चली तो ये तो ऐसे इंसिडेंट कर जाएगी, इसको पीछे बढ़ा दो बेटा, इसको क्या है पीछे बढ़ा दो, ठीक, उतना ही जितना ये है उतना ही इसको पीछे बढ़ा दो। और दो रे और चलाओ, एक रे ये गई, अब ये भी वापस आएगी, कटेगा, ऐसे ही एक रे और ले जाओ, ये भी वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी, ये लाइन ये बन गई इसकी वर्चुअल इमेज। इस तरीके से ऑब्जेक्ट था, ठीक इस तरीके से इसकी इमेज फॉर्म हो गई। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज का तरीका है। अच्छा, आप चाहें तो यहां से भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, रुक जाइए मैं रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूं। तो ये वाला नॉर्मल, अरे ये जो इंसिडेंट रे है ये वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो फिर ये देखिएगा यही काटेगी, एकदम एग्जैक्ट फिगर आएगा, ये ऑब्जेक्ट और ये उसकी इमेज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की एक्सटेंडेड इमेज बन गई, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज इसमें छोड़ दीजिएगा, इसका जो डेरिवेशन है उसकी आपको कोई जरूरत नहीं गई है, ठीक है, जैसे कि आपके यहां प्रूविंग नहीं पूछी जाती। अब ये जो फाइनल फिनोमिना है लैटरल इन्वर्जन, तो व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? जैसे आप मिरर में इस हाथ को देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड जो है वो राइट बन जाएगा, ये कहलाता है इसकी इमेज का उल्टा हो जाना, दैट इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन
लेटरल इन्वर्जन क्या है? द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। मिसाल के तौर पर जैसे आपने ये लिया P, जिसे वो हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फिगर बनाया था। अब यहां से एक रे ले लीजिए, बढ़ा दिया है थोड़ा सा, और एक रे यहां से ले लीजिए। मैंने आपसे कहा था ना, ये रे स्ट्राइक कराइए ऐसे, ये रे स्ट्राइक कराइए ऐसे, इतना ही इसको पीछे बढ़ा दीजिए बिना किसी टेंशन के। ओके, अब एक पॉइंट यहां से, एक रे यहां से लीजिए ऐसे, और एक रे यहां से लीजिए ऐसे। अब आप जानते हैं ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां से जाएगी, ऐसे ही ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां से जाएगी, ठीक। अब एकदम एग्जैक्टली यहां पर लाइए ऐसे, ये रे आपने खींची, ये तो इन्वर्ट कर जाएगी लेकिन ये पीछे बढ़ेगी ना, तो ऐसे ही आप इसे यहां लाइए। देखिए इमेज बनाने की टेक्निक, अब इस पॉइंट को ये रिफ्लेक्ट करा दीजिए, इस पॉइंट को इधर रिफ्लेक्ट करा दीजिए, हो गया लेटरल इन्वर्जन। जैसे ये ऑब्जेक्ट था तो अब इसका ठीक उल्टा देखो पी बन रहा है, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज, इंटरचेंज पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट और इमेज। ये जो इमेज है वो ठीक इसकी उल्टी बन गई, ये और ये देखो, इन्वर्जन का मतलब ये होता है इस, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारी इमेज है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेड लेटरल इन्वर्जन कहलाएगा। लेटरल का मतलब सीधा सीधा। अब इसे एम्बुलेंस में आपका ए जो होता है वो ऐसे लिखा होता है, लेकिन एम उल्टा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आप मिरर में देखोगे तो एम, अगर वो उल्टा लिखेंगे जब आप मिरर में देखोगे तो आपको सीधा एम दिखाई देगा। यही वजह होती है एम्बुलेंस में कुछ लेटर आपके जो सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे द लेटरल इन्वर्जन ऑफ लेटर सच एज ए एच आई एम ओ टू यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ये जो है नोटिसेबल नहीं होते क्योंकि इमेज रिमेन सेम। अब अगर इसकी जगह ए लिखा जाता तो ये यहां ए भी सिमेट्रिकल हो जाता, आई लिखा जाता तो आई भी सिमेट्रिकल ही बन जाता। तो जब सिमेट्रिकल बनता है तो फिर वो क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है, बाकी सारे लेटर्स में लिखा जाता है। तो दैट इज द रीजन वाई इन एम्बुलेंस ए एम और ए को छोड़कर और यू को छोड़कर और ए और यू को छोड़कर बाकी सारे लेटर्स उल्टे लिखे जाते हैं, ताकि जब आप बैक साइड से उस मिरर को एम्बुलेंस को देखें तो आपको उसकी इमेज जो है वो इमेज की वजह से वो एम्बुलेंस आपको पूरी पूरी पढ़ाई दे। अब इसमें एक और टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर अपराइट वर्चुअल और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपको याद होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर अपराइट वर्चुअल ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। That's it. It is chapter 7.